रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट करनी है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रियल लाइफ का हम पोस्टमार्टम करेंगे और कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास ना रियल लाइन है, जीरो से राइट साइड पे प्लस इंफिनिटी 1, 2, 3 और इसी तरह -1, -2, -3 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी आ गया। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1 से लेकर 2 तक जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में, ठीक है, आप किसी को बताना चाहते हैं कि हमने 1 से लेकर 2 तक जो रियल नंबर्स हैं उनके ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, तो अब 1 से लेकर 2 तक कितने रियल नंबर्स हैं पहले इसको समझ लेते हैं। देखें 1 और ये आपके पास आ गया 2। 1 से अगर नेक्स्ट नंबर में मान लो थोड़ी देर के लिए 1.1 है, उसके बाद 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, अप टू सो ऑन आपके पास क्या होगा 1.9 होगा और फिर 2 आ जाएगा। मैंने ये क्लेम किया कि 1 के बाद जो वेरी नेक्स्ट रियल नंबर है वो 1.1 है और उसको लेकर हमने क्या किया 1.9 तक गए, उसके बाद 2 आ गया। लेकिन एक और पर्सन उठा, उसने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, 1 के बाद जो वेरी नेक्स्ट रियल नंबर है 1.01 है और फिर आपको 1.01, 1.02, 1.9 तक जाएंगे तो 1.1 आएगा, उसके बाद फिर इसी तरह हर एक नंबर के बीच में 10 मजीद आ जाएंगे। इसी तरह मैं ये कहता हूं नहीं भाई आप भी गलत कह रहे हैं, ये 1.001 अगला नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 से वेरी नेक्स्ट नंबर लिखना चाहें 1.0001, मैंने 40 के बाद 1 लिखा, तो कोई कहता है नहीं भाई ये नहीं है बल्कि इससे भी छोटा हमारे पास एक नंबर है 1.0001। तो ये पॉइंट के बाद जब आप क्या करेंगे जीरोस बढ़ाते चले जाएंगे या डेसिमल इंटीजर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये आप देखते जाएंगे कि आपके पास 1 के बाद कभी भी आप अगले नंबर तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सो हम कभी भी 1 से लेकर 2 तक सारे रियल नंबर्स को लिख कर नहीं बता सकते। तो फिर जनरली मैथमेटिक्स में कैसे बताएंगे 1 से 2 तक रियल नंबर्स, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटरवल का। इंटरवल, तो अब जब ये लिखा होगा 1 से 2, ये मैंने क्लोज ब्रैकेट, ये स्केयर ब्रैकेट यूज किए हैं, तो ये आपके सामने एक इंटरवल लिखा हुआ है। इस इंटरवल का मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, उसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। अब आप इंटरेस्टेड है कि मैं 1 में इंटरेस्टेड नहीं, आप चाहते हैं कि 1 को इंक्लूड ना करें, तो इसका तरीका ये कि आप 1 पे ना स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, या आप इसका एक और भी मेथड है कि आप 1 पे ब्रैकेट को उल्टा कर देंगे। तो ये आपके पास इंटरवल है, इसे लेफ्ट साइड से ओपन इंटरवल कहते हैं, लेफ्ट ओपन है, ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल है फ्रॉम दी लेफ्ट। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि नहीं भाई मैं 2 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप 1 से लेकर 2 में आप इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर्स में इंटरेस्टेड है, तो ये ओपन राइट, ये राइट साइड से क्या है ओपन है, या इसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, ये 2 पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दे तो इट्स मीन के आपके पास 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेकर 2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब की बात हो रही है एक्सेप्ट 2, 2 की हम बात नहीं कर रहे, बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 से 2 तक उनकी बात कर रहे। तो ये आपके पास ये जो इंटरवल है जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है 2 भी इंक्लूडेड है, इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें बाउंड्री वैल्यूज क्या होती है शामिल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक ओपन इंटरवल की जो बोथ एंड से ओपन होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास एक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो दैट वुड बी इंक्लूडेड, दैट वुड बी इन अंडर योर स्टडीज। तो ये आपके पास इंटरवल की थ्योरी है, एक क्लोज इंटरवल होता है जिसमें दोनों बाउंड्री वैल्यू शामिल होती हैं, अगर एक लेफ्ट ओपन है तो लेफ्ट वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी, अगर राइट ओपन है तो राइट वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी, और अगर आप सिर्फ ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो न लेफ्ट वाली वैल्यू इंक्लूडेड होगी न राइट वाली, बाकी उसके इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज होंगी। अगर मैं इस ओपन इंटरवल को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना चाहूं तो ये देखिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 और ये 2, इधर कहीं 0 होगा, अब टू सो ये इंफिनिटी आ गया। अब मैं ये ओपन इंटरवल को दिखाना चाहता हूं रियल लाइन पे, आप क्या करेंगे, जस्ट अगर ये ओपन इंटरवल है 1 और 2 पे आप क्या करेंगे, बॉल्स बनाएंगे या बबल्स बनाएंगे, या आपने बबल्स बना दिए और इन बबल्स को फिल नहीं करना, अंदर से फिल नहीं करना, इसका मतलब ये होगा कि ये सारे का सारा सेगमेंट इंक्लूडेड है
वन और टू को छोड़कर। इसी तरह अगर आप क्लोज इंटरवल को रियल लाइन पे ड्रॉ करना करके दिखाना चाहेंगे तो इट इज क्वाइट इजी टू एलेबोरेट 0, 1, 2, 3 अब टू सो ऑन। ये प्लस इंफिनिटी है और ये इधर माइनस इंफिनिटी होगा। अब वन और टू, वन पे भी आप एक बबल बनाएंगे और टू पे भी बबल बनाएंगे, राइट हो गया। अब आप कहते हैं कि वन और टू, वन भी शामिल है टू भी शामिल है, तो वन को भी आप कलर कर दें, इस बबल को फिल कर दें, टू को भी फिल कर दें और इस लाइन को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वन भी इंक्लूडेड है, टू भी इंक्लूडेड है और इनके बीच में जो कुछ है वो सब इंक्लूडेड है। ये क्लोज इंटरवल की हमने पिक्चर आपको दिखाई है। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड से ओपन है तो इस बबल को फिल ना करें, राइट वाले को फिल कर दें, अगर राइट से ओपन है तो राइट वाले बबल को फिल कर दें, लेफ्ट वाले को छोड़ दें। तो ये इस तरीके से आप इंटरवल्स को रियल लाइन पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेबरहुड की। नेबरहुड क्या होता है? किसी भी रियल नंबर के जो पड़ोस में कितने नंबर है, नेबर में कितने नंबर है, दे वुड बी इनफाइनाइट मैनी। ये बात आपने जहन में रखनी है। कोई भी आप यहां पे टू ले लेते हैं, जस्ट मैं टू के नेबरहुड की बात करता हूं, तो टू का नेबरहुड क्या होगा? टू का नेबरहुड में वो सारे नंबर शामिल होंगे जो टू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है या नियरली इक्वल है, जस्ट लाइक 1.99 ये टू के बिल्कुल करीब तरीन है। इसी तरीके से 2.001 ये भी आपके पास टू के बहुत नियरेस्ट है। तो इस तरह के नंबर्स आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 000 करके एड कर सकते हैं, 20 करके एड कर दे, 10 करके एड कर दे, या आप 888 लगाते जाए, तो ये नंबर्स की आपके पास एक वाइड लिस्ट आती है। तो ये जो नंबर्स होंगे टू के नेबरहुड में, दीज वुड बी इनफाइनाइट मेनी। अब इन सारे के सारे नंबर्स को डिस्प्ले करना, रिप्रेजेंट करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या डिस्क्रीट मैनर में लिखकर बताना इट इज इम्पॉसिबल टू अस। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स होते हैं, यानी टू के नियरेस्ट जो नंबर्स की तादाद होगी वो इनफाइनाइट मेनी होगी। तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर टू का नेबरहुड क्या होगा? नेबरहुड के लिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी जो है ना, यू कह लें कोई टर्म्स लेते हैं जैसे एप्सिलॉन, या आपने क्या करना है एच, या फिर आपने डेल्टा, ये कुछ जनरल टर्म्स हैं। ये बेसिकली यूज की जाती है टर्म्स टू रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी बहुत ही छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी एडिशन किसी भी नंबर में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती। क्लियर होगी बात? ये सारे के सारे हम कहते हैं नियरली अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, मतलब वेरी वेरी स्मॉल रियल नंबर है। तो अब टू का नेबरहुड अगर आपने फाइंड करना है तो इनमें से कोई भी एक टर्म आप इसमें ऐड भी कर दें टू में और इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो यू विल सी के टू का नेबरहुड, तो नेबरहुड ऑफ टू की अगर हम बात करें कि नेबरहुड ऑफ टू कितना है, तो नेबरहुड ऑफ टू ये होगा 2 - एप्सिलॉन और 2 + एप्सिलॉन, यानी एक ओपन इंटरवल होगा नेबरहुड जो कि 2 - एप्सिलॉन से 2 + एप्सिलॉन तक जाएगा, और एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर विच इज वेरी वेरी स्मॉल रियल नंबर। तो ये आप नेबरहुड को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर के। अब देखिए आप टू के लेफ्ट साइड पे भी कुछ नंबर है, टू से छोटे भी कुछ नंबर है जो टू के नियरली इक्वल है, इससे जो नेबरहुड डेवलप होगा इसको हम लेफ्ट नेबरहुड कहेंगे, लेफ्ट नेबरहुड। और इस तरह आपके पास जो राइट साइड पे नंबर होंगे, ये राइट साइड पे इनकी कलेक्शन का जो सेट होगा इसको हम राइट नेबरहुड कहेंगे। ये दो तरह के नेबरहुड होते हैं, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। इन लेफ्ट राइट नेबरहुड की कलेक्शन से आपके पास पूरे का पूरा क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है ना वो नेबरहुड में पड़े, ये जो एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू थ्री का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू x - 3 x + 3। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम बात करते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स अप्रोचेस टू थ्री, तो मतलब ये होता है कि हम एक्स थ्री के जो नेबरहुड में नंबर्स पड़े हुए हैं उन पे फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज भी लिखते हैं -3, यानी 3 को छोड़ के जब हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू थ्री, तो इसका मतलब 3 का नेबरहुड, मतलब 3 को छोड़ के उसके करीब करीब जितने भी नंबर्स हैं उन पे फंक्शन का क्या कर रहे हैं, बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि नेबरहुड, ओपन नेबरहुड को हमने डिफाइन किया कि वो कैसे हम फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर लेके उसमें एप्सिलॉन ऐड कर दे, माइनस करके एक ओपन इंटरवल बना दे, वो आपके पास एक क्या आ जाएगा, नेबरहुड आ जाएगा। अब लेफ्ट नेबरहुड अगर आपसे कोई कहे के बना के दिखाए तो उसके लिए आप एप्सिलॉन एक दफा माइनस करें, एक दफा टू ले लें, ये लेफ्ट नेबरहुड है आपके पास, लेफ्ट नेबरहुड। और राइट नेबरहुड के लिए आप क्या करेंगे, एक साइड पे टू लिखेंगे और एक साइड पे एप्सिलॉन ऐड कर देंगे। देखिए 2 से 2 + एप्सिलॉन तक राइट नेबरहुड है और 2 से 2 - एप्सिलॉन तक
आपके पास लेफ्ट नेबरहुड है, तो ये लेफ्ट और राइट दो तरह के नेबरहुड हैं, तो लेफ्ट नेबरहुड पे जो फंक्शन है उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए जो लिमिट यूज की जाती है उसे लेफ्ट लिमिट कहते हैं, और राइट साइड पे जो राइट नेबरहुड पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए जो लिमिट आप यूज करते हैं दैट इज राइट लिमिट। तो ये दो तरह की लिमिट्स हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इनको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स। तो अभी हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि लिमिट की एग्जिस्टेंस, कि कब लिमिट एग्जिस्ट करती है। शुरू कर। अच्छा भाई, अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट किसी फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, तो इसको देखते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट एफ ऑफ एक्स के। अगर लेफ्ट एफ ऑफ एक्स और राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल है तो देन हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट लेफ्ट लिमिट क्या होती है, वेयर लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और राइट लिमिट क्या होती है, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाती हैं, इक्वल होती हैं, तो देन हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमने कुछ क्वेश्चंस करने, उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और लिमिट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब हमने ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, ये तीन पार्ट्स हैं, इसमें आपने क्या करना है, तीन काम करने हैं, लिमिट लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, राइट लिमिट फाइंड करनी है, और फिर लिमिट को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आपने लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, देन राइट लिमिट फाइंड करेंगे, और उसके बाद आपने तीसरा काम करना है, लिमिट भी फाइंड करनी है फंक्शन की, सी जो भी आपको सी की बना है उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेफ्ट लिमिट डिटरमिन करते हैं। तो लेफ्ट लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट के लिए हमने करना यह है, लिमिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, वन के ऊपर नेगेटिव डालेंगे लेफ्ट लिमिट के लिए। लेफ्ट लिमिट के लिए एक्स अप्रोचेस टू वन, वन के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे, और जो भी फंक्शन है उसके ऊपर आप ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब वन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, वन नेगेटिव का मीनिंग ये होता है, ये आप देख रहे हैं, वन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जहां जहां एक्स है वहां पे वन माइनस जीरो पुट करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वन माइनस जीरो इज मीनिंगलेस, तो ये आगे कुछ स्टेप्स करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये मीनिंगलेस नहीं है, इट हैज सम सेंस। टू प्लस वन माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव, तो ये माइनस टू आ गया। ये आपके पास आ गई लेफ्ट लिमिट। अब इसकी राइट लिमिट बिल्कुल इसी पैटर्न पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट लिमिट के लिए आपने वन पे लिमिट चेक करनी है, तो वन के ऊपर प्लस लगा दें, और फिर जो फंक्शन है उसको लिखे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव। तो अब आपने ये लिमिट पुट करनी है, वन प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन प्लस जीरो माइनस फाइव, या जाएगा टू वन जा टू प्लस वन माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव, ये माइनस टू आ गया। तो ये आ गई आपके पास राइट एफ ऑफ एक्स, विच इज आप देख सकते हैं ये माइनस टू आया है। तो पहली लेफ्ट लिमिट हमने कैलकुलेट किया वो भी माइनस टू है। अच्छा जी, अब देखिए ये 1 और 2, इसका भी आंसर माइनस टू आ रहा है, इसका भी माइनस टू आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1 एंड 2 इंप्लाइज। अच्छा जी, 1 एंड 2 इंप्लाइज, अब ये भी माइनस टू है, ये भी माइनस टू है, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। तो प्लस माइनस नहीं डालना, 1 पे चेक कर रहे थे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, और इन दोनों लिमिट्स का जो आंसर आया लिमिट का भी वही आंसर होगा, ये माइनस टू कर देंगे, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। करते हैं ये मॉड वाले फंक्शन की, आपको पता है जब मॉड को आप ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस एक्स माइनस फाइव आता है। तो ये बात आपने ध्यान रखें कि प्लस माइनस उस टाइम लगाएंगे जब ये एक्स की वैल्यू इधर पुट करें तो जीरो आना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू फाइव, हम इधर पुट करें ना फाइव माइनस फाइव जीरो आ रहा है, तो अब जब मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, माइनस इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और प्लस वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे। अब हमने इन पे ना लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और हेंस लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव नेगेटिव माइनस एक्स माइनस फाइव, तो आपने इसके बाद ये करना है फाइव माइनस जीरो माइनस फाइव, फाइव फाइव से कट गया ये जीरो आ गया, ये लेफ्ट एफ ऑफ एक्स आ गई। इसी तरह राइट एफ ऑफ एक्स आप डिटरमिन करेंगे इन द सेम वे, जस्ट आपने ऊपर प्लस लिखना है, और राइट लिमिट के लिए राइट वाली वैल्यू आपने यूज करनी है फाइव पॉजिटिव, ये राइट साइड वाली वैल्यू यूज करेंगे प्लस एक्स माइनस फाइव,
अब ये 5 पॉजिटिव है तो आपने 5 प्लस 0 माइनस 5 करेंगे, 5 5 से काट के ये 0 आ गया, तो ये राइट एफ ऑफ एक्स भी आ गया आपके पास विच इज अगेन 0, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे 1 इनटू इंप्लाइज लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट एफ ऑफ एक्स के, और ये आंसर आ रहा है 0, तो हेंस लिमिट एग्जिस्ट, अब लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इतने के इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पे हमने चेक करनी थी, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 0, जो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर होगा अगर इक्वल है तो जो लिमिट होगी वो भी इसी के इक्वल आएगी। क्वेश्चन है इसकी भी हमने लेफ्ट राइट लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट एफ ऑफ एक्स कितनी आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3 के ऊपर नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट के लिए ना जो भी नंबर होगा उसके ऊपर ये माइनस का साइन डालेंगे, यानी बार लाइक हो गई माइनस 9 एक्स माइनस 3, तो अब ये करेंगे माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 0, ये लिमिट जब वैल्यूएट करेंगे माइनस 3 माइनस 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 ये माइनस 6 आ गया, 0 आ गया लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, और राइट एफ ऑफ एक्स कितनी आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3, तो अब आपने क्या करना है माइनस 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, तो ये 9 माइनस 9 और ये माइनस 6 आ गया 0, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों आंसर के आगे 0 आ गए, तो आप इसके बाद ना इसके बाद आप यहां पे आ जाए ये चीज आप लिख लें 1 एंड 2 इंप्लाइज लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है 0 के, हेंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किस पे चेक कर रहे हैं माइनस 3 पे, तो अब यहां पे माइनस 3 कर देंगे इक्वल टू 0 आ गई लिमिट।